अस्सलामुअलैकुम K21 न्यूज के साथ मैं हूं अबीर हुसैन, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सेनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस की खरीद फरोख की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में पैसे भी देखे जा सकते हैं। सेनेट इलेक्शन 2018 में नोट के बदले वोट का सौदा होते देखा जा सकता है। पीटीआई ने करोड़ों रुपए लेकर जमीन का सौदा करने के इल्जाम में अपने 20 अरकान को फारिग किया था। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। सज गया पंडाल, जियालो का धमाल, पीडीएम जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 40 फीट चौड़ा 120 फुट लंबा स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लग गयी, कारकुनों की आमद जारी। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च रुकवा देंगे, फवाद चौधरी का दावा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा सैनिक इंतखाबात से मुतालिक तमीम पर बहस बहुत अरसे से जारी है, अगर अपोजिशन कहती है तो हम चेयरमैन सैनिक का इंतखाब भी ओपन बैलेट से करवा सकते हैं। शहजोर के पीछे लोग ऐसे दौड़ रहे थे, मुझे लग रहा था दीवानावार शायद बिलावल जरदारी शहजोर में बैठ के आ गया, पता चला बिलावल जरदारी नहीं थे, वो बिरयानी की देख थी उसके अंदर। जिस अंदाज से दीवानावार शहजोर के पीछे इले तीर भिजा के साथ शहजोर के पीछे तकाटक, पता चला बिरयानी की देख। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हलीम अदल शेख ने कहा पीडीएम की तहरीक फेल हो चुकी है, अवाम ने अपोजिशन जमातों के इस इतिहास को मुस्तरद कर दिया। आज हैदराबाद में नाकाम सियासतदानों का टोला सर्कस लगाने जा रहा है। आपसे कहते हैं गैदर का सवाल, जवाब आप उन्हीं का देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ से आ गई। जो लोग हलवे पे पलते हो, डीजल पे चलते हो, वो मुकाबला करेंगे मेरे कप्तान का। और सूबाई वजीर इतला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हैदराबाद में पीडीएम का जलसा आज तारीखी होगा। सिंध के लोग आज एक नई सियासी तारीख रकम करने जा रहे हैं।